हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पूनम ब्लॉग्स। और मैं हूँ पूनम। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से आप लोगों के लेकर आ गई हूँ स्मार्ट बाज़ार, जो क्राउन इंटीरियर मॉल में है। और सामने मुझे दिख गया 70% ऑफ। इसके अंदर आपको ये स्टिक्स मिल जाएंगी फ्लावर्स की, और नीचे रखे हुए हैं पोट जो 79 रुपीज़ ईच है। क्वालिटी A1 है, वाइट कलर है, तो वाइट कलर से वैसे ही अच्छा लगता है। इसके अलावा 109 में आपको ये वाला मिल जाएगा, ग्रीन है, और इसके अंदर जो ब्लैक वाली टोकरी लगे ना वो निकल भी जाती है। इसके अलावा ये मुझे बड़ा यूनिक सा पीस दिखा, ये कास्ट आयरन का है, बहुत हैवी है। मुझे लगा हल्का सा होगा, मगर जब मैंने इसे उठा के देखा बहुत ज़्यादा हैवी है। मैंने कहा पता नहीं इतना हैवी कैसे है ये। इसके नीचे लगा हुआ ये वुडन का ट्रे, और इसका प्राइस है 499, मतलब आपको ये 500 रुपये का पीस मिलेगा। और ये ना छोटा सा, ये जितना अपना हमारा हाथ का साइज़ होता है ना, बस उतना ही छोटा है ये 500 रुपये का। बाकी ये ना इनका नया एडिशन है कास्ट आयरन का, पूरा इनका ये सेक्शन है जो अब इनका नया आया है। 2000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। राउंड ग्रिल ग्रिल प्लेट है ये, तो ग्रिल करने के लिए 2000 रुपये का है, कास्ट आयरन का है। बाकी इस पर सब चीज़ें ना इन्होंने लिखी हुई है, ये इनका मतलब नया है, मैंने पहली बार देखा है। ऊपर लगे हुए हैं पैन 1499 का, कास्ट आयरन का है, बहुत हैवी है। उसमें ये छोटा साइज़ है 1299 रुपीज़ के, दो साइज़ है छोटा बड़ा, मत काफ़ी अच्छा है, अच्छे के साथ साथ हैवी भी है। और जो इसका हैंडल है ना वो वुडन का है, सब में जिसका भी है सबका हैंडल वुडन का है। बाकी आपको ये कढ़ाई मिल जाएगी, 1999 की कढ़ाई है, ये भी काफ़ी अच्छी है, ग्लास की इसकी लिड है, और जो इसके हैंडल है वो भी वुडन के हैं, तो गर्म तो होंगे नहीं, इसके हैंडल्स काफ़ी अच्छे हैं। ये मुझे इनका सेक्शन इस बार सबसे अच्छा लगा। दिवाली पे इन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी की है, एक इन्होंने ये कास्ट आयरन वाला ऐड किया है। बाकी ये ट्राई प्लाई का जो स्टील का होता है वही पैन है, लिड के साथ ग्लास की इसकी लिड है, 1999 इसका प्राइस है। और नीचे दो और लगे हुए हैं, ये जो भगोनिया टाइप का होता है ना वो है, जो भगोना होता है ना वो है, और ना इसके अंदर साइजेस मेंशन होते हैं कि आपको ये 200 ml 500 ml अंदर लिखा हुआ है। अगर आपको किसी जैसे दूध का या मिल्क का साइज़ कह रही हूँ, मतलब मेज़र करना है कि कितना डाला है ना, तो वो भी आप मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा ये कढ़ाई है, ये इनका ना ये भी बहुत पुराना एडिशन है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो दिवाली पे ये भी मैं आप लोगों के लिए कवर करती हूँ। नीचे वाला स्टील वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा है, अगर आप अपने घर में दिवाली में कुछ नए बर्तन ऐड करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ से इस टाइप के बर्तन परचेज कर सकते हैं। बाकी भैया दिवाली है तो कैंडल्स तो बनती हैं, तो यहाँ पे कैंडल्स भी काफ़ी सारी आ चुकी हैं, बहुत सारी कैंडल्स आई हैं। ये आपको 199, मतलब 200 रुपये में आपको ये 4 कैंडल्स का सेट मिल जाएगा। ये वाली आपको 4 कैंडल्स का सेट मिल जाएगा। इसमें ना काफ़ी सारे कलर्स हैं, मे बी इसकी जो अरोमा भी है ना वो भी डिफरेंट होगी। इसके अलावा अगर आपको कैंडल्स होल्डर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे विद कैंडल्स, तो इसके अंदर कैंडल्स भी है। जब इसके अंदर वाली कैंडल ख़त्म हो जाए तो आप कोई भी नॉर्मल कैंडल लगा सकते हैं। वैसे तो ये शोपीस में भी ऐसे भी अच्छा लगता है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी दिवाली के लिए, अपने घर के लिए अरोमा आ जाए बहुत अच्छी सी। बाकी नीचे जो पेबल्स होते हैं ना, पेटल्स होते हैं सॉरी, वो भी आपको मिल जाएंगे, पेटल्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो दिवाली पे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नए नए सेक्शन बनाए हैं। ये 1523 में आपको ये गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा, निविया का है पूरा, बॉडी लोशन है, डिओड्रेंट है, बॉडी शावर है, और लिप बाम है, मॉइस्चराइज़र क्रीम है इसके अंदर। ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप अपनी किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना चाहते हैं ना तो गिफ्ट हैम्पर काफ़ी अच्छा है। बाकी सारा आपको बाय वन गेट वन में मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे शैम्पू और बॉडी लोशंस और मॉइस्चराइज़र क्रीम भी बाय वन गेट वन में मिल जाएगा। तो ये VLCC का शैम्पू है, ये एलमंड्स वाला है, काफ़ी अच्छा है, ये तो बाय वन गेट वन में लेना ही पड़ेगा आपको, मतलब दो ही लेने पड़ेंगे। वैसे यहाँ पर क्या चलता है कि आप 50% ऑफ पे भी ले सकते हैं, जैसे अगर आपको दो पीसेस नहीं लेना, आप एक लीजिए, उस पर 50% डिस्काउंट हो जाता है। स्मार्ट बाज़ार में मुझे ये वाली चीज़ ना सबसे अच्छी लगती है। बाकी 399, 599 और 249 में लंच बॉक्सेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। लंच बॉक्सेस मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आज मैं आपके साथ और शेयर कर रही हूँ। ये 399 का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो इसकी ना कवर है बाहर वाला वो बहुत अच्छा है, बट हाँ जो इसके कंटेनर्स हैं ना वो प्लास्टिक के हैं, वो ग्लास के नहीं है, बट काफ़ी अच्छा है अगर आपको गिफ्ट करना है ना
तो गिफ्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। स्माइल वाला मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसके ग्लास के कंटेनर हैं। ये 599 में आपको सेलो का मिल जाएगा, स्टील के 3 कंटेनर्स है और जो इसका बॉक्स है ना वो भी प्लास्टिक का कंटेनर है, फैब्रिक का नहीं है। और इसमें तो आपको एक बोतल भी मिल जाएगी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी 50% ऑफ और बाय वन गेट वन में लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे कप्स। ये वाला कप मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक है। इस पर जो प्राइस पड़ा है वो 99 पड़ा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो इसका हैंडल का साइज़ है ना वो भी बहुत अच्छा है, पकड़ने में इजी रहेगा। इसके अलावा एक ये मुझे दिखा, ये मैट फिनिशिंग में 149 का है, प्रिंट मस्त है, बहुत बढ़िया प्रिंट है। अगर आपको मग्स चाहिए, वैसे तो मग्स आई थिंक सबको ही चाहिए रहते हैं, मग्स तो मुझे भी ख़रीदना पर्सनली बहुत पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट मग्स। और अभी भी इनके यहाँ पे काफ़ी अच्छे नए मग्स इन्होंने ऐड किए हैं। बाकी एक ये गिफ्ट टैम्पर है, अगर आप किसी बच्चे को देना चाहते हैं, 399 का है। इसमें कप है, ऊपर इसके एक एलिफेंट है, तो बच्चों को देने के लिए ये मुझे अच्छा लगा। और जो इसके अंदर कप है ना वो ग्लास का कप है, 399 में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे ये स्टूल, क्योंकि दिवाली पे तो भैया स्टूल भी चाहिए रहते हैं, सफाई भी तो करनी है ना, तो हर जगह तो हम लोगों के हाथ नहीं पहुँच सकते, तो स्टूल भी एक अपनी अलग ही, मतलब इसकी भी दिवाली की सफाई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो आप यहाँ से स्टूल्स भी ले सकते हैं। स्टूल आपको यहाँ पर 2-3 रेंज के अलग अलग मिल जाएंगे। ये वाला 399 का है, ये तो बैठने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, हमारे घर में तो मैं इसे किचन में यूज़ करती हूँ, खड़े भी हो जाओ और बैठ भी जाओ। इसके अलावा ये स्टूल है, ये काफ़ी अच्छा है, दिखने में लग रहा है हल्का फुल्का सा है बट नहीं, काफ़ी अच्छा है, बच्चों के लिए है। इस पर लिखा है 15 kg तक का इंसान इस पर बैठ जाएगा, 15 kg का तो बच्चा ही होता है बस, तो सॉरी 150 kg लिखा है, मुझे पीछे करना ज़ीरो नहीं दिखा, 150 kg लिखा है, मुझे लगा 15 kg है, तो 499 में फिर तो ठीक है, अगर 150 kg तक का बंदा बैठ सकता है। बाकी आपको यहाँ पर ये लॉन्ड्री बास्केट मिल जाएगी। आजकल मुझे ना कलर्स बड़े अच्छे से दिख रहे हैं, या आजकल कलर्स आ ही इस टाइप के रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ये कलर काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आपको नॉर्मल वाली चौकियाँ मिल जाएंगी जो हम अपने वॉशरूम में यूज़ करते हैं बैठने के लिए, तो इनकी क्वालिटी ना बहुत बढ़िया क्वालिटी है, बहुत अच्छी है। और जो इनका MRP है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा है, 642 MRP है, मतलब 600 रुपये का एक चौकी है इनका, जो ये स्क्वेयर वाला है बहुत एक्सपेंसिव है, और आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। तो आई थिंक कि ये शायद लोकल मार्केट में ज़्यादा सस्ते मिलते हैं इस टाइप के चौकी। बाकी 9999, 4999 में यहाँ पे ना बहुत सारे ड्रॉस और बास्केट लगे हुए हैं। एक देखिए कि ये वाला बास्केट है, काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी अच्छा है, आप इसमें अपना मतलब बच्चों के टॉयज रख सकते हैं, या फिर अगर आप अपना टूल किट बनाना है तो वो भी रख सकते हैं। और आजकल ये वाले ना बॉक्सेस सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, 499 रुपीज़ का है ये वाला। वैसे इस पर तो 4000 प्राइस पड़ा है, तो 4000 के बाद तो मान के चलो ये तो हाफ से हाफ प्राइस में हमें पड़ जाएगा, और इसके अंदर व्हील्स होते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। बाकी आपको ये 4 टायर वाला एक ड्रॉअर मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है ये, अगर आप स्मार्ट बाज़ार जाके नहीं ले सकते हैं तो आप ये ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ये वाला डिज़ाइन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और दूसरी साइड लगी हुई है बाथरूम एसेसरीज़, 119 में आपको ये मिल जाएगा, डिस्पेंसर हैंडवर्ड डिस्पेंसर है। जब ये विंटर सेल लगी थी इनकी जनवरी में, तब ये ना सिर्फ 99 रुपीज़ के आ रहे थे, अब इनके दिवाली सेल में इन्होंने महंगे कर दिए। और ये ना ग्लास का डिस्पेंसर है, तो ये 99 रुपीज़ का है, मतलब ग्लास वाला डिस्पेंसर आई थिंक कि बहुत कम लोग यूज़ करते होंगे, क्योंकि बच्चे तो सभी के घरों में होते हैं, तो आई थिंक ग्लास वाला कम ही यूज़ हो पाता होगा। बाकी इसके ऊपर रखे हुए हैं जो सोप रखने का स्टैंड होते हैं ना, वो है 15 रुपये से स्टार्टिंग है, 15, 20, 19, ये तो 19 रुपये का भी है यहाँ पर, ये वाला 19 रुपये का है, जो अपना बेसिक वाला होता है ना वो वाला है, विद लिड है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ना आपको काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिल जाएंगी। बाकी ऊपर लगे हुए हैं सारे ये हुक्स, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हम हर जगह नेल नहीं लगा सकते हैं, नेल यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये मुझे सही लगता है हुक्स लगा दो। और ये भी एक बहुत बेसिक से सीज़र, 79 रुपीज़ की क्लिप्स हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बैक क्लिप्स है, मतलब हमने कुछ पन्नी में से सामान निकाला और वो सारा हमारा कंटेनर में नहीं आ पाता, तब उसके बाद ये उस पर क्लिप लगा दो, ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है, इससे सामान बिल्कुल भी सीलता नहीं है। इसके अलावा ये मुझे बकेट दिखी, एक
मतलब इसे मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। वो स्केयर में थी और ये गोल में है, ये भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बाकी आपको यहाँ पे इस टाइप के ना 49 रुपीज़ में ब्रश रखने के स्टैंड मिल जाएंगे। इसके अलावा एक आपको ये मिल जाएगा 99 रुपीज़ का, ये भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी यहाँ आपको बास्केट की तो काफ़ी सारी रेंज देखने को मिलेगी। तो ये बच्चे ने मुझसे छीन ली, उसने कहा नहीं मुझे दे दो आंटी मैं देखूँगा, उसने मुझसे बास्केट ले ली। उसके बाद मैं आपको ये दूसरा वाला दिखा रही हूँ, ये 4 का सेट है, बड़ा बास्केट है और 3 इसके अंदर छोटी छोटी बास्केट है। इसके अलावा ये मुझे कंटेनर बहुत अच्छा लगा, 249 रुपीज़ का है, कंटेनर नहीं है, बास्केट ही है, विद लिड है, बस साइज़ छोटा है, बट कलर डिज़ाइन और क्वालिटी तीनों ही बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद लंच बॉक्सेस मुझे एक और जगह रखे दिखे, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ना दिवाली पे शायद लंच बॉक्स ही बिकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ स्मार्ट बाज़ार में लंच बॉक्स की इतनी सारी वैरायटी है ना, और बहुत सारी अलग अलग जगह रखे हैं। ये वाला बोरोसिल का है, बैग के साथ है, कंटेनर्स है, ग्लास के कंटेनर्स हैं, काफ़ी अच्छा है। इसका जो कवर है ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, स्माइल ब्रांड आई थिंक बोरोसिल का ये नया स्माइल इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया है। इसके अंदर एक थोड़ा बड़ा साइज़ का है कंटेनर जो लंबा होता है, जिसे आप रोटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी 2 इसके अंदर छोटे छोटे कंटेनर्स हैं जो सब्जी के लिए यूज़ होते हैं ना वो वाले हैं। तो ये सेट मुझे अच्छा लगा कि एक बड़ा वाला है ना तो वो रोटी के लिए यूज़ हो जाएगा। बाकी ये स्माइल ब्रांड ना मैंने मतलब अभी ये नया नया ही लॉन्च हुआ है बोरोसिल का, इसके अंदर 3 का सेट था। इसके अलावा 49 में आपको ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कंटेनर्स मिल जाएंगे, आप स्टोर करने के लिए सामान यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप इसके अंदर मतलब कुछ बच्चे को देना है स्कूल के लिए तो आप वो भी दे सकते हैं। 49 में आपको ये तो कंटेनर का सेट मिल जाएगा, ये भी काफ़ी अच्छा है अगर आप दिवाली में अपनी किचन को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं या कंटेनर्स चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। दिवाली पे बहुत अच्छी डील चलती है यहाँ पर, और कंटेनर्स पे भी बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 199 में ये में आपको मिल जाएगा मेडिकल किट, ये मैंने ना पहली बार देखा है मेडिकल किट। वैसे वो नॉर्मल वाला होता है, वो वाइट वाला और जो ढक्कन खुलता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, ऑनलाइन भी मिलता है और सारे स्टोर्स में भी मिलता है, मगर ये वाला ना मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत स्पेशियस है ये, बहुत अच्छा है। इसके अलावा 169 में आपको एक प्लास्टिक के कंटेनर्स मिल जाएंगे, पॉलीसेट के कंटेनर्स ना बहुत अच्छे होते हैं, तो इसमें आपको कलर्स डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे। और अगर आपको इस टाइप के जो नॉर्मल कंटेनर्स होते हैं ना वो लेने हैं 99 के 3 वाला सेट, तो वो भी आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर छोटा बड़ा ऐसे 3 सेट होते हैं, ये भी 3 का सेट आपको मिल जाएगा, एक इसमें बड़ा है 2 छोटे छोटे हैं। तो प्लास्टिक का जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कंटेनर्स बहुत सारे मिलते हैं, ये 4 का सेट मिल जाएगा जिसे आप स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 2-3 कलर्स मिल जाएंगे। 109 को आपको मिल जाएगा ये 3 का सेट, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और 109 रुपये में ना बहुत ही अच्छी डील है। इसके अलावा आपको 99 में ये 2 का सेट मिल जाएगा, मगर 99 में ना आपको यहाँ पे और भी अच्छे कंटेनर्स मिल जाएंगे। ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ग्लास का कंटेनर है, मगर ये ग्लास का नहीं है, ये प्लास्टिक का कंटेनर है। इसकी लुक बिल्कुल ऐसी है कि ग्लास की है, अगर ग्लास का होता तो मैं इतना ना घुमाती नहीं उसको, मैं थोड़ा सा आपको दिखा के रख देती, क्योंकि ग्लास का कई बार मुझे डर लगता है कि एक हाथ से छूट ना जाए। बाकी आपको इस टाइप के प्लास्टिक के छोटे छोटे कंटेनर्स यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे। बाकी 349 में यहाँ पे ना आपको कंटेनर्स का सेट मिल जाएगा, इसमें इस टाइप का कंटेनर मिलेगा 349 में। इसके अंदर ना दिख तो आपको 4 बॉक्सेस रहे हैं, बट इनके अंदर बॉक्सेस रखे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हैं, 4 एक साइज़ के हैं, 4 एक साइज़ के, 4 एक साइज़ के, देखिए आपको दिख रहा होगा 4-12 है ना, तो 4-8-12 इस टाइप से 3-3 डिफरेंट टाइप के हैं, और ये अच्छी डील मुझे लगी। इसके अलावा ये आपको सेलो के मिल जाएंगे, 499 के हैं, स्क्वेयर मैट इस पर लिखा हुआ है, इसका कोई भी ना पीस खुला हुआ नहीं रखा, वरना मैं आपको दिखाती, और इसके अंदर 18 पीस है। 399 में आपको ये बेसिक वाले डब्बे मिल जाएंगे, बेसिक वाले मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत पुराना है, बहुत पुराना डिज़ाइन है ये, बट बहुत सारे लोग इनको अभी भी यूज़ करते हैं अपना सामान स्टोर करने के लिए, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा 129 में आपको मिल जाएगा ये स्टील का डब्बा, बट मुझे कुछ खास यूज़ का नहीं लगा, क्योंकि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसका तो मतलब ये भी मुझे समझ नहीं आया, बहुत ही लूज़ है इसका, किसी बैग में भी नहीं रखा तो कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको हम। इसके अलावा इसके बगल में रखा है ये 129 का है, इसकी अच्छा है प्लास्टिक का लिड है। 699 में आपको मिल जाएगा
मसाला बॉक्स वैसे तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको दोबारा नहीं दिखाया। मैंने आपको एक अपनी पहली वीडियो में ये मसाला बॉक्स दिखा चुकी हूँ मैं। इसके अलावा ये कास्ट आयरन के नीचे रखी हुई है कढ़ाई, कास्ट आयरन की नहीं है सॉरी, ये ना नॉनस्टिक की है, इसका वुडन के हैंडल है, होमवन ब्रांड के हैं। होमवन ब्रांड का कुछ भी कास्ट आयरन का नहीं आता है, इसके जितने भी बर्तन आते हैं ना सारे नॉनस्टिक ही आते हैं। तो ये इसका लिड है, वुडन का लिड है। इसके अलावा स्टील के बर्तन पे भी ना बाय वन गेट वन चल रहा है, तो आप अपने किचन के बर्तन चेंज करना चाहते हैं स्टील के तो स्मार्ट बाज़ार से शॉपिंग कर सकते हैं। डिज़ाइंस भी काफ़ी सारे नए नए इसके अंदर अपडेट हुए हैं, तो बहुत अच्छे डिज़ाइंस हैं। कटोरी के भी हैं, बाय वन गेट वन में है। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है ना, ना बड़ा ना छोटा, ज़्यादा सब्जी भी नहीं आएगी और कम भी नहीं आएगी, और दिखने में भी लुक वाइज में भी ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा ये आपको मिल जाएगा नमक और स्पाइस, लाल मिर्च या काली मिर्च रखते हैं ना वो वाला है, ये भी होमवन ब्रांड का है। ये तो वैसे कॉमन है, आपको हर जगह मिल जाता है। देखिए मैं आपको हर जगह इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कई लोगों के नियरेस्ट स्मार्ट बाज़ार नहीं होता है, विशाल या डी मार्ट होता है या फिर कोई और स्टोर होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कॉमन सा डिज़ाइन है कि अगर आपको वो चीज़ पसंद आ रही है तो आप अपने उस स्टोर में भी जाके इसको एक बार चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल देती हूँ कि कॉमन सा डिज़ाइन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये मुझे कुल्लड़ बहुत अच्छे लगे, 49 रुपीज़ के हैं, डिज़ाइन वाले हैं। लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट टाइम में आपको ये वाले कुल्लड़ दिखाना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको ये वाले कुल्लड़ फिर से दिखा रही हूँ। इसके अलावा देखिए एक ये कप का डिज़ाइन है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ना। तो यहाँ पे आपको कप्स के डिज़ाइंस भी ना काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था, आपको देखकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय माता दी।